मशहूर भोजपुरी एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे की अचानक संदिग्ध मौत से भोजपुरी इंडस्ट्री को तगड़ा झटका लगा है। कोई भी इस घटना पर यकीन नहीं कर पा रहा। एक तरफ जहां आकांक्षा के फैंस और इंडस्ट्री में शोक की लहर है, तो वहीं आकांक्षा के परिजनों का भी रो रो कर बुरा हाल हो गया है। इसी बीच आकांक्षा के परिजनों ने आकांक्षा की मौत को आत्महत्या नहीं बल्कि साजिशन हत्या करार दिया है। साथ ही आकांक्षा के बॉयफ्रेंड समर सिंह पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। परिजनों के मुताबिक कुछ ही दिन पहले आकांक्षा दुबे और सिंगर समर सिंह के भाई के बीच विवाद हुआ था। सिंगर समर सिंह के भाई से विवाद के बाद एक्ट्रेस को धमकी मिली थी। आकांक्षा दुबे के परिजनों ने काम के बदले पैसे ना दिए जाने का भी गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने दूसरे के साथ काम करने पर टॉर्चर करने का आरोप लगाया है। साथ ही परिजनों ने सिंगर और उनके भाई पर एक्ट्रेस की हत्या करवाए जाने का भी संगीन इल्जाम लगाया है। हम लोग खोए हैं, आकांक्षा ऐसी नहीं थी, वो ऐसा कर ही नहीं सकती। अभी हम लोग रात को बात किए थे उनसे, तो कैसे कर सकती है वो, कुछ भी नहीं बताई। बस समर सिंह को परेशान कर रहा था, इतना हमको पता है। समर सिंह उसको छोड़ना नहीं चाहे जैसे भी। उसको धमकाया जाता था, उसको 3 साल से उसका पैसा लिया है 5 करोड़ रुपए। जब वो मांगती थी उसको धमकी दिया जाता था। मान्य उसका भाई उसको चैलेंज किया था कि तुम्हें मार के लटका देंगे हम, समर सिंह का भाई। हाँ, वो कहा था, अपने मुंह से कहा था आकांक्षा को। आकांक्षा बोली ठीक है कर देना, बोला देख लेना तुम्हें एक दिन मार डालेंगे हम। वो सुसाइड नहीं कर सकते, उसके साथ साजिश हुआ है। और हम ये कहना चाहते हैं जो फिल्मी इंडस्ट्री यहाँ पे शूटिंग करने के लाई टीम लाई, वो टीम कहाँ है? कल उसका एसी में रहने वाली लड़की, कल उसको मैजिक में ले आया गया। और साथ साथ तो समर सिंह का तो नाम आ ही रहा है, समर सिंह तो बचेंगे नहीं। और तो हम ये तो कहते हैं टीम भी नहीं बचेगा, जो टीम आई है साइन करवाइए पिक्चर का, 5 दिन पहले साइन कराइए, तो टीम भी हम उसको भी बताएंगे, किसी भी छोड़ेंगे नहीं। जानकारी के मुताबिक सिंगर समर सिंह एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे का बॉयफ्रेंड था और दोनों में लंबे वक्त से अफेयर चल रहा था। वहीं अब इस मामले में भोजपुरी गायक समर सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आकांक्षा दुबे की मां मधु दुबे की तहरीर पर सारनाथ थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। समर सिंह के साथ ही उनके भाई पर भी केस दर्ज हुआ है। बताते चले कि एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे पिछले 4 दिनों से वाराणसी में फिल्म लायक हूँ मैं नालायक नहीं की शूटिंग कर रही थी। शूटिंग करने वाली टीम ने जब फोन किया तो एक्ट्रेस ने फोन रिसीव नहीं किया, जिसके बाद पर्सनल मेकअप आर्टिस्ट होटल पहुंचा तो दरवाजा बंद पाया, जिसके बाद होटल के कर्मचारियों ने दूसरी चाबी से दरवाजा खोला तो पंखे के सहारे एक्ट्रेस झूलती नजर आई। गौरतलब है कि आकांक्षा ने भोजपुरी सिनेमा के कई म्यूजिक वीडियोस और फिल्म्स में काम किया था। इंस्टाग्राम पर उनके काफी फॉलोअर्स हैं, उनकी रील्स काफी पसंद की जाती रही हैं। आकांक्षा को भोजपुरी के जाने माने कलाकारों में से एक के रूप में काफी फेम हासिल हुआ। वही आकांक्षा की अचानक मौत ने न सिर्फ हर किसी को झकझोर दिया है बल्कि कई बड़े सवाल भी खड़े हो गए हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है, ऐसे में देखना होगा कि जांच के बाद इस मामले में क्या कुछ खुलासे होते हैं। फिलहाल इस खबर के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में लिखकर अपनी राय जरूर बताएं। देश और दुनिया की बाकी बड़ी और अहम खबरों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को, और बेल आइकन दबाएं ताकि चैनल से जुड़ी सारी लेटेस्ट अपडेट्स आप तक वक्त से पहुंच पाएं।